हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक का पार्ट 5 वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम कैसे प्राप्त करोगे का तीन महत्वपूर्ण क्रियाओं को देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले के जो पार्ट है 1, 2, 3, 4, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट कि तीन रिएक्शंस कौन कौन से हैं और उन्हें हमें किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहला रिएक्शन आप लोगों के सामने है, इसमें आपको बनाना है फिनाल से बेंजीन। अब बच्चों, फिनाल से बेंजीन यानी कि कैसे प्राप्त करोगे, फिनाल से बेंजीन को कैसे प्राप्त करोगे, क्या रिएक्शन होगा, क्या इसमें उत्प्रेरक होगा, कौन सा रिएक्टेंट होगा और बनेगा क्या, ठीक है। तो ये सब आपको मैं बताऊंगा और वो भी तीन अभिक्रिया में आपको बताऊंगा, ठीक है। तीनों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला रिएक्शन है, चलिए हम इसे करते हैं। तो आपको इसमें प्राप्त करना है फिनॉल से बेंजीन। तो फिनॉल का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं एल्कोहल फिनॉल ईथर के महत्वपूर्ण सूत्र वाले वीडियो में। तो अगर आपने उसे भी नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। फिनॉल का फार्मूला सिंपल सा है, एक बेंजीन रिंग बनाकर उसके ऊपर आप लोगों को OH लिख देना है, आपका यही है फिनॉल, ठीक है। इसका नामकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपको बच्चों बनाना है फिनॉल से बेंजीन। तो फिनॉल से अगर आपको बेंजीन बनाना है तो फिनॉल की अभिक्रिया आपको ZN से करानी होगी और ZN का नाम है स्टूडेंट जिंक, ठीक है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया आप जिंक से कराएंगे तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर आपको एरो का चिन्ह लगाना है और ये किसी की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो यहां पर चूर्ण को लेना है, इसी की उपस्थिति में इन दोनों को गर्म कर देना है। तो आप लोग कह सकते हैं जब फिनॉल में जिंक को मिलाकर गर्म किया जाता है तो हमारा बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बेंजीन लिख देते हैं और बेंजीन ही हमारा मेन उद्देश्य था बनाने को, तो ये है स्टूडेंट बेंजीन, ठीक है। तो आपको फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करना था, तो फिनॉल से बेंजीन आपका प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर ZNO निकल जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन आता है कि फिनॉल से बेंजीन किस प्रकार से बनाना है तो आप लोग फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से करा दें, दोनों को गर्म कर दें, उसके बाद में आपका बेंजीन प्राप्त हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला था, तो आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था आपका स्टूडेंट कैसे प्राप्त करोगे का फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड। तो स्टूडेंट, आपका जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, तो यहां पर आपको प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन से टालुइन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और टालुइन का भी फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिएक्शन को करते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, C6H5Cl, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन से अगर आपको टॉल्यून प्राप्त करना है, टॉल्यून का फार्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा। तो C6H5Cl ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया आपको करा देनी है सोडियम से Na से, ठीक है। और आपको स्टूडेंट इसकी अभिक्रिया करानी है CH3Cl, CH3Cl का नाम बताइए आप लोग जानते होंगे CH3Cl, या हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ClCH3। इसे हमने उल्टा क्यों लिखा अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इनको जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे, इनका रिएक्शन आपस में कराएंगे तो कुछ बनेगा। तो यहां पर स्टूडेंट हमें उपस्थिति करनी है ईथर की, ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। तो जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के दो अणु के साथ, यहां पर हम लोग यहां पर दो लिखेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करते हैं तब, ठीक है। तो देखिए अब टाइल्यून आपका बन जाता है C6H5CH3, ये है स्टूडेंट टाइल्यून, ठीक है। तो टाल्यून आपका बन जाता है और प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, इतना आपका बनेगा। अब टाल्यून को आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैं बता देता हूं। यहां पर बेंजीन रिंग आप एक बनाइए और ऊपर लिख दीजिए CH3, यही है टाल्यून। अगर OH लिख देंगे तो फिनॉल हो जाएगा, ठीक है ऊपर। तो देखिए जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के दो अणु से और CH3 से कराई जाती है तो आपका C6H5CH3 बन जाता है, यानी कि C6H5 यहां से ले लेंगे, CH3 यहां से ले लेंगे। तो देखिए C6H5CH3 बन गया और यही है आपका टालियन, और 2NaCl निकल जाएगा, यानी कि 2Na यहां से और एक Cl और एक Cl, दो Cl यानी कि 2NaCl बन जाएगा। तो ये आपका है एक बैलेंस रिएक्शन और इसी को आपको बनाना था। तो देखिए इसका नाम है स्टूडेंट क्लोरोबेंजीन,
सीधा सीधा लिख देते हैं तभी आपके समझ में आएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम 2Na को सोडियम कहते हैं, समझ लीजिए, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, नाम पता चल गया, इसका नाम है स्टूडेंट टालुइन। तो ऐसे ही आपको रिएक्शंस करने होते हैं। क्लोरोबेंजीन से अगर आपको टालुइन बनाना है तो सिंपल भाषा में समझिए, जब क्लोरोबेंजीन की सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम के साथ और मेथिल क्लोराइड के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो टालुइन बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। सोडियम क्लोराइड तो आप लोगों को पता होगा, नमक। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन जो थे ऊपर के स्टूडेंट, इसको तो मैंने आपको बता दिया, दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं, या मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी जाकर समझ सकते हैं। तो दोनों रिएक्शन आपके क्लियर हो चुके होंगे आई होप। ठीक है, तो अगर समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है आपके द्वारा बताए गए रिएक्शंस। तो चलिए अब लोग देखते हैं अपना तीसरा रिएक्शन स्टूडेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरा रिएक्शन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये तो स्टूडेंट आपका फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी इसी रिएक्शन को कहते हैं। तो इस रिएक्शन से आपको डबल फायदा होने वाला है, एक तो आपको कैसे प्राप्त करोगे में अगर ये पूछा जाता है तो आप इसे कर लेंगे, दूसरा अगर फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है तो आप उसे भी आसानी से कर सकते हैं। तो देरी किस बात की स्टूडेंट, चलिए हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, श्वेत फास्फोरस से फास्फीन, श्वेत फास्फोरस का फार्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, मेरा ही काम है। ठीक है, तो देखिए श्वेत फास्फोरस का फार्मूला जो होता है स्टूडेंट वो सिंपल है, P4 होता है। ये है स्टूडेंट श्वेत फास्फोरस। अब इसकी अभिक्रिया हमें करानी है NaOH से, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं फास्फीन बनाने की क्रिया विधि में। ठीक है, और कराना है हमें H2O से। ठीक है, दोनों से हमें रिएक्शंस कराने हैं, और यहां पर हमें क्या करना है स्टूडेंट, किप्स आउट का चिन्ह लगाना है, और यहां पर हम लोग अक्रिय गैस ले सकते हैं ऊपर इसके। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, चलिए ऊपर अक्रिय गैस, तो यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसे गर्म कर देंगे। अक्रिय गैस शायद आप लोगों को पता हो, हीनी अर्कर, यानी कि हीलियम, नियान, आर्गन, जीनान, क्रिप्टान, यही सब अक्रिय गैसें हैं। तो देखिए, जब श्वेत फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ अक्रिय गैस से साथ गर्म करते हैं तो बनता क्या है स्टूडेंट, तो इससे हमें फास्फीन बनाना है, तो हम लोग इससे फास्फीन ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, जो NaOH है इसके तीन अणु हमें लेने हैं। ठीक है, और जो H2O है इसके भी तीन अणु लेने हैं, इतना याद रखिएगा, तीन तीन। ठीक है, अब देखिए फास्फीन तीन तीन, ठीक है, ऐसे अणु आपको लेने हैं। अब देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट, यहां पर आपका थ्री जो बनेगा स्टूडेंट NaH2PO2, ठीक है, NaH2PO2 और PH3 बनेगा, समझ में आया? अब देखिए इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, नहीं आता आपको बैलेंस करना, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो को देखिए, मैं बना चुका हूं कई रिएक्शंस की सहायता से आपको बैलेंस करना सिखा चुका हूं। तो देखिए, जब सफेद फास्फोरस, इसका नाम लिखते हैं थोड़ा सा, सफेद फास्फोरस, ठीक है, इन भाई साहब का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका नाम है जल। ठीक है, जब इन तीनों को आपस में, जब सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के तीन अणु और जल के तीन अणु के साथ मिलाकर अक्रिय गैसों की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमारा ये बनता है स्टूडेंट सोडियम हाइपोफास्फेट, और बनेगा हमारा PH3, यानी कि ये भाई साहब हैं फास्फीन जिनको हमें बनाना था। अब स्टूडेंट यही है आपकी फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगर आप लोगों को फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है तो आप लोग सेम इसी रिएक्शन को लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो NaH2PO2 है इसके भी तीन अणु हमें लेने होंगे तभी ये रिएक्शन जो है बैलेंस होगा। समझ में आया? तो सिंपल से स्टूडेंट आई होप कि आपको तीनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। श्वेत फास्फोरस से अगर आपको फास्फीन बनाना है तो फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ अक्रिय गैसों की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए, आपका सोडियम हाइपोफास्फेट और फास्फीन बन जाएगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आपको ये तीनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो के लास्ट में फायदा आपको पता हो मैं क्या कहने वाला हूं, तो यही कहूंगा आपसे कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को
शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस इतना समय आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आपसे कुछ मांग भी नहीं सकता हूं, इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग तीनों को तैयार कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग।